वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में जाना होगा। वो क्यों? आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, आप किसी लैब टेक्नीशियन के पास गए हैं, आपने कभी ब्लड सैंपल दिया है, आपने कभी किसी लेबोरेटरी में काम किया है, आप किसी मेडिकल कॉलेज में गए हैं, अपने कॉलेज की लैब में गए हैं। तो आपने क्या कभी अलग अलग तरह के कलर के डस्टबिन को देखा है, या आपने कभी अलग अलग कलर के पॉलिथिन बैग्स को देखा है? तो जनरली ये वीडियो आपको उस चीज के बारे में बताने वाली है। और यही चीज, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। आप मैंने बहुत एग्जाम्स देखे हैं पिछले 6 महीने में, बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आपके बार बार फॉलो हो रहे हैं कि किस तरह का वेस्ट आपका कौन से डस्टबिन में डिस्पोज किया जाएगा, किस कलर के पॉलिथिन बैग में डिस्पोज किया जाएगा या डाला जाएगा। जनरली हॉस्पिटल्स में जहाँ क्लिनिकल काम होता है, तो वहां पर ह्यूमन टिश्यू मेडिसिन जो आपके इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड चीजें होती है वहां ज्यादा होती है, चाहे आपके सर्जिकल ग्लव्स हो या आपकी सिरिंज या नीडल हो। तो उन्हें किस तरह से डिस्पोज किया जाए वो हम देखने वाले हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है जिसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो यहां से आपका मैं एक स्टार्ट करने से पहले एक आपको बता दूं क्वेश्चन, अभी जो यूजीसी का रिसेंटली एग्जाम हुआ 2019 वाला, जो ये दिसंबर में अभी हुआ है या चल रहा है मुझे इतना पता नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन आपका यहीं से था। वो कहां से था मैं वो भी बता दूंगा आपको जब हम वीडियो में कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका रूल है, जिसके अकॉर्डिंग इतने सारे कलर्स के डस्टबिन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर वैसे ही कलर की आपकी पॉलिथीन प्रेजेंट होती है, तो उसका मतलब क्या है? तो 2016 में जो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है उसके अंडर सब है। जब हॉस्पिटल में या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक पूरी कवर्ड गाड़ी आती है, जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम में जो गाड़ी पैसे डालती है फुल सिक्योरिटी के साथ, वैसे ही आपकी बायोमेडिकल वेस्ट की एक व्हीकल आता है जिसमें सब आपका जो डिस्पोज अलग अलग जो आपके डस्टबिन है उससे वहां पर उस गाड़ी में ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर कोड की। 4 कलर कोड हैं आपके, व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो। व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो। और स्टार्ट करेंगे हम व्हाइट से, मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैं व्हाइट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो व्हाइट क्या होता है? जनरली व्हाइट कलर का जो डस्टबिन है, जो हमारे पॉलिथिन बैग्स हैं, वहां पर हम सिर्फ शार्प मटेरियल ही डालते हैं। तो व्हाइट में क्या करते हैं हम, शार्प मटेरियल। ट्रिक्स मैंने बहुत एक आपको देने की कोशिश करी है ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। और व्हाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रिक में आता है शार्प मटेरियल्स। शार्प मटेरियल्स में आपके नीडल्स आती है, पिंस आती है, हम सब ने ग्लास स्लाइड्स बनाई है, ग्लास स्लाइड्स आती हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं, तो और ब्लेड्स भी आते हैं। कई बार कट वट लग जाता है तो कंटेमिनेटेड हो जाता है आपका ब्लेड जो है ब्लड से। तो आप देखेंगे नीडल्स, पिन, ग्लास स्लाइड, सर्जिकल इक्विपमेंट और ब्लेड्स। लेकिन एक जो पहली बार जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना, बहुत डीपली पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंड में एक बात आई थी जब मैं व्हाइट के बारे में पढ़ रहा था कि इसमें सिरिंज इंक्लूड क्यों नहीं है, इस व्हाइट पार्ट में सिरिंज इंक्लूड क्यों नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिरिंज को एक शार्प मटेरियल का समझ के व्हाइट वाले में ऑप्शन टिक कराते होंगे, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सिरिंज है वो आपका रिसाइक्लेबल में भी आता है, इसलिए सिरिंज को हम रेड कलर का जो आपका डस्टबिन होता है, जो पॉलिथिन बैग होता है, उसमें डिस्पोज करते हैं। तो यहां पर आपको सिरिंज का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहीं पर आपको पहले ही मेंशन कर दिया आगे जाने से पहले। तो शार्प मटेरियल्स में आप देखेंगे नीडल्स हो गई, आपके ब्लेड्स हो गए, पिंस हो गई, और जो आपकी ग्लास स्लाइड्स होती है वो होगी, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स होगी। तो वो सब आपके व्हाइट में आएंगे। आपको ट्रिक मैंने बता दी शार्प मटेरियल्स, आप ये सब याद ना भी रखें, अगर आपको शार्प मटेरियल्स याद है तो आप बहुत इजी से व्हाइट पे क्लिक कराएंगे। अब तो आपको क्लिक करना होता है, गोला गोला भरना होता नहीं है। तो बात करते हैं ब्लू की नेक्स्ट। ब्लू में क्या है, बहुत इजी है, व्हाइट से भी इजी है। पैकेजिंग मटेरियल,
सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग का मटेरियल जिससे पैकेजिंग हुई हुई है। जनरली आपने टेबलेट्स कैप्सूल की स्ट्रिप्स देखी होंगी, आपने जो आता है ब्लिस्टर पैकेजिंग, बहुत तरह की पैकेजिंग आती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि उनका आप मेडिसिन ले लेते हैं, जो खाली आपका रैपर बचता है मेडिसिन का उसको हम जनरली फेंक देते हैं। लेकिन आप जब क्लिनिकल जगह पर काम कर रहे होते हैं या आप किसी अच्छे इन्वायरमेंट या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं तो आप उसे ऐसे ही कहीं पर भी नहीं डाल सकते हैं। तो वहां पर आपको ब्लू कलर का जो आपका पॉलिथिन बैग होगा या डस्टबिन होगा, वहां पर आपको मेडिकल की जो मेडिकल मेडिसिन या ड्रग्स के जो रैपर है आपको ब्लू में डालने होंगे। तो पैकेजिंग मटेरियल आपका जो भी होगा वहां पर डालना होगा। और आपका बॉटल्स होती हैं, जनरली आपने देखा होगा कि नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है पेशेंट को या डेक्सट्रोन का सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है, तो हम जनरली लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं लोग कि ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज की बोतल है जो एम्प्टी होने के बाद जो ड्रिप लगी होती है पेशेंट को, वो एम्प्टी होने के बाद हमें डालना है, तो हमको हमें ब्लू में डालना है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल से। तो एम्प्टी बॉटल्स ऑफ द मेडिसिन, एम्प्टी बॉटल्स ऑफ द मेडिसिन में आपके सिरप्स भी आ सकते हैं, लोशंस भी आ सकते हैं, और मैं आपको बताऊं तो आप जो देखते हैं डस्टिंग पाउडर्स भी आते हैं, तो वो सब आपके एम्प्टी बॉटल्स में ही आएंगे। सलाइन की बोतल होगी आपकी, डेक्सट्रिन सिरप की बोतल होगी, तो वो आपके ब्लू में डलेंगे। नेक्स्ट इज द मेडिसिन रैपर्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्ट्रिप होता है आपका, ब्लिस्टर होता है, तो उसको आप वहीं पर डालते हैं। जो कैप्सूल टैबलेट्स बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं तो उन्हें आप ब्लू में ही डालेंगे रैपर्स को। और कंटेमिनेटेड ब्रोकन ग्लास, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो है वो अब भी आपकी ग्लास के बॉटल्स में ही आती हैं, तो अगर वो कंटेमिनेटेड ग्लास है तो या फिर ब्रोकन ग्लास है उनका, तो आप उसे ब्लू में डालेंगे। तो पैकेजिंग मटेरियल से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं आपकी, वो ब्लू में आएंगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं रेड और येलो। रेड से हम एक चीज जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं कि रेड कलर का मतलब समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है वो हम रेड में डिस्पोज करेंगे। उस चीज के लिए रेड का कोई लेना देना नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि ह्यूमन टिश्यू या एनिमल टिश्यू को हम रेड कलर का जो आपका डिस्पोजल होता है उसमें डिस्पोज नहीं करते हैं। रेड का मतलब आपका टिश्यू या किसी ब्लड को दिखाने से नहीं किया गया है, तो रेड का मतलब है आपका रिसाइक्लेबल। जो आर से मैंने खुद एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है, रिसाइक्लेबल, जो प्रोडक्ट्स आपके रिसाइकल हो सकते हैं। इसमें आपका प्लास्टिक और ग्लव्स, जो प्लास्टिक या रबर कहूं मैं या ग्लव्स कहूं तो ज्यादा ठीक होगा, प्लास्टिक और रबर्स के जो मटेरियल है वो आपके रेड में आएंगे जो कि रिसाइक्लेबल है। अब ग्लव्स की बात करते हैं तो हम सर्जिकल ग्लव्स, और आप देखेंगे आप किसी लैब में जाते हैं तब भी आप ग्लव्स डालते हैं, एनिमल हैंडलिंग करते हैं तब भी आप प्रॉपर ग्लव्स डालते हैं, मास्क डालते हैं, वो सब आपके रेड कलर में जाते हैं। ग्लव्स हो गए आपके, प्लास्टिक बैग्स हो गए, वो भी सिरिंज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है सिरिंज, क्योंकि जनरली इन दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, और आपका कैथेटर्स ट्यूबिंग। तो जो भी मटेरियल आपका रिसाइक्लेबल है वो आपका रेड में आता है, प्लास्टिक बैग्स हो गया या फिर आप रबर का कैथेटर्स देखते हैं जनरली ओल्ड एज के पीपल में कैथेटर्स को लगाया जाता है। सिरिंज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ सिरिंज, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि सिरिंज किस में डिस्पोज करते हैं, प्लास्टिक बैग और ग्लव्स। अब बात कर लेते हैं येलो की। अगर मैं इन चारों में से बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो येलो ही है, येलो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही क्वेश्चन आपका यूजीसी में था जो हुआ है 19 वाला दिसंबर में, कि ह्यूमन और जो एनिमल के एनाटॉमिकली वेस्ट है उन्हें कहां डाला जाता है, कौन से कलर में डाला जाता है, कलर कोड क्या है उसका, तो वो येलो है। तो ट्रिक क्या है इसकी, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू, चाहे वो ह्यूमन का हो बॉडी फ्लूइड या आपका एनिमल का हो, उसे अगर हमने डिस्पोज करना है तो हम येलो कलर वाले डिस्पोजल में डालेंगे, और तो इसलिए यहां पर हो जाएगा ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू या एनाटॉमिकली टिश्यू कहूं मैं। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में आपका जनरली आती है एक्सपायर्ड मेडिसिन। यहां पर सिर्फ आपके मेडिसिन के रैपर थे, मेडिसिन नहीं थी। अगर वो मेडिसिन आपकी क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन आपके येलो में आएगी, सॉलिड वेस्ट के अंडर आएगी वो। और आप देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जनरली बॉडी फ्लूइड्स का कंटेमिनेशन होता है जहां पर टेस्टिंग की जाती है, चाहे वो आपकी ब्लड की टेस्टिंग हो
या फिर कोई और किट्स आती है, जैसे मलेरिया किट आती है या कोई और किट्स आती हैं, बहुत सारे कार्डिक कार्डिक की जो डिजीज होती हैं उसके लिए भी एक ट्रॉप्टी नाम से किट आती है। तो जहां पर ब्लड से रिलेटेड काम होता है, फ्लूइड से रिलेटेड काम होता है, तो वहां ये कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो बॉडी फ्लूइड्स हो गया आपका, और क्लिनिकल वेस्ट, जहां पर क्लिनिकल काम हो रहा है वहां पर तो ये येलो मस्ट है। तो आप अब आपने कभी नहीं भी देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, अगर आप कभी हॉस्पिटल आपका जाना हो या कभी लैब, किसी अच्छी लैब जैसे आप CSIR की लैब में देखेंगे तो आपको ये सब प्रॉपर तरीके से आपको अरेंज मिलेगा। मैंने खुद देखा है, खुद विजिट किया है, खुद एक्चुअली मैं खुद एक हॉस्पिटल स्टाफ के मेंबर की तरह मैंने काम भी किया है एक बार, तो सब मेरा यानी पर्सनल एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किया है मैंने कि कहाँ गलती होती है। और मैं एक बात मुझे कहने में कोई शायद गलती नहीं होगी कि अब भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं जो कि इस चीज से अवेयर नहीं है। उनको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर इसका मटेरियल इसमें डालेंगे या किसी और का मटेरियल किसी और में डालेंगे तो दोनों चीज ही कंटेमिनेट हो रही है, और दोनों कंटेमिनेट हो गए कंटेमिनेशन को बढ़ा रही है, इन्फेक्शन को बढ़ा रही है, खास करके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में। आई होप सो यू लाइक द वीडियो, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। आई एम डैम श्योर कि जो आने वाले एग्जाम है आपके बहुत काम आने वाली है, आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे।